तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ट्रैफिक पुलिस वालों को चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत। वडोदरा में 450 जवानों को बांटे गए हैं एसी हेलमेट। आईएएम के छात्र ने बनाया है यह हेलमेट। अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप भी कर सकते हैं खरीदारी। ईरान ने मानी है भारत की बात। जयशंकर के फोन के बाद हुआ नरम। इजराइल जहाज पर सवार 17 भारतीयों को दी गई है अधिकारियों से मिलने का परमिशन। संविधान बदलने वालों की आंख निकाल लेगी जनता। बीजेपी पर लालू का सबसे बड़ा अटैक। बोले घबराहट में 400 पार का दावा कर रही है बीजेपी। मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं। ईडी के एक्शन पर बोले पीएम मोदी। कहा इलेक्ट्रोल बॉन्ड ना होता तो पैसे का स्रोत पता ही नहीं चलता। हिंदू राष्ट्र के लिए सड़कों पर उतरे नेपाल के लोग। जमकर पड़ी लाठियां। लगातार नेपाल में बढ़ रहा है विवाद, धार्मिक विवाद। छत्तीसगढ़ के जिले में एसपी का अनोखा ऐलान। नक्सलियों की सूचना देने पर मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। आज से हो गया एडवाइजरी जारी। राजस्थान में रामनवमी से पहले जयपुर में भगवा पर गहराया विवाद। बाल मुकुंद आचार्य बोले कांग्रेस वालों को भगवा राम से क्यों है दिक्कत। मनीष कश्यप का बड़ा ऐलान। सारा नेता पीछे पड़ा है मेरे, कभी भी भेज देगा जेल। मनीष अब फिर से डर रहे हैं, जा सकते हैं दोबारा से जेल। बेगूसराय की एक शिक्षिका ने रच दिया इतिहास। पहली सैलरी मिलने पर 250 बच्चों के बीच बांट दिया स्कूल बैग। बच्चों ने किया उसका धन्यवाद और पूरे देश कर रहा है इनको नमन। मछली सुअर खाइए, जो मन में आए सो खाइए, लेकिन दिखाते क्यों हैं। तेजस्वी यादव पर राजनाथ सिंह ने किया तीखा हमला। पीएम मोदी के पोस्टर को चूमने लगी लड़की। वीडियो देखकर आप भी नहीं रह पाएंगे हंसी से और लगातार हो रहा है वीडियो वायरल। जेल में बंद हेमंत सोरेन मुझे राजनीति करने, धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए मजबूर कर रहे। निशिकांत दुबे पर हेमंत सोरेन ने लगाया बड़ा आरोप। मुर्शिदाबाद में मालदा में दंगे हुए तो चुनाव आयोग होगा जिम्मेदार। डीआईजी को हटाने पर भड़की ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं, यूपी के लोगों को नौकरी हमने दी। सीएम योगी पर तेजस्वी का पलटवार। बोले उनकी सरकार तो पेपर लीक के लिए मशहूर है। यूपी में 22 साल बाद सलाखों से बाहर आया अखलाक। सीएम योगी का किया धन्यवाद। माफिया अतीक से है खास कनेक्शन। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस में मचा बवाल। 50 नेताओं ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद सलमान खान से मिलने पहुंचे सीएम शिंदे। अर्पिता ने भी घर पहुंचकर जाना भाई का हालचाल। संदेश खाली में उमड़ा भगवा सैलाब। जय भवानी जय शिवानी के लगे नारे से गूंजा 4 किलोमीटर लंबा जुलूस। लोग बोले बंगाल में कमल खिलना होगा अगले बार तय। बिहार में बंद जेल में मिलने भगवत मान तो अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरी चिंता मत करो, हमेशा लड़ते रहो और लोगों को जागरूक करना कभी भी नहीं करना बंद। वोट मांगने के लिए धर्म का हवाला देने पर पीएम मोदी पर 6 साल का चुनाव प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका हुआ दायर। अयोध्या से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बचा केवल 2 मिनट का फ्यूल। यात्रियों की अटकी सांसें, डर के मारे करने लगे उल्टी। कल का घटना का ये आया है न्यूज सामने। बीजेपी एमपी रवि किशन, मेरी बेटी को गोद ले लो। महिला ने भाजपा सांसद रवि किशन की पत्नी होने का किया दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो हो रहा वायरल। एलन मस्क ने ट्विटर में बैन किया फिर भारत के 2 लाख से ज्यादा अकाउंट। गलत मैसेज और गलत अफवाह फैलाने का लगा था आरोप। कई लोगों का अकाउंट हो गया आज से बंद। दिल्ली में मनोज तिवारी से होगी कन्हैया कुमार की टक्कर। कांग्रेस ने 10 और सीटों का उम्मीदवार का कर दिया आज से ऐलान।
सीएम योगी आदित्यनाथ फिर अपराधियों को दिया चेतावनी। कानून से जो करेगा खिलवाड़ उसका होगा राम नाम सत्य। हमेशा से बोलते हैं अपराधियों के ऊपर कोई भी बयान नहीं देते हैं रोजगार पर। लोकसभा चुनाव 2024 तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका। सभी 39 सीटें हार सकती है बीजेपी, जीत सकती है इंडिया गठबंधन। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। सलमान खान के घर से बाहर से हुआ फायरिंग, 6 राउंड चली है गोली, 1 गोली पहुंची उनके घर के अंदर, कोई भी जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह की सभा में बारिश ने डाला खलल, आंधी में उड़ गया चुनाव सभा का टेंट, फोन से ऑनलाइन किया सभी लोगों को संबोधित। पंजाब में शिवसेना ने बीजेपी से छुड़ाया हाथ, अकेले चुनाव लड़ने का किया फैसला, 9 उम्मीदवार का कर दिया ऐलान। नशे में धुत लोगों ने कार रोकी और गो बैक के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन की गाड़ी को टीएमसी नेताओं ने रोका। हम दे तो रेवड़ी, अब खुद वोटों के लिए मुफ्त बिजली, बीजेपी के घोषणा पत्र पर खड़गे ने किया बड़ा हमला। राजस्थान से ग्राउंड रिपोर्ट, अग्निपथ योजना आने से पहले एक हॉस्टल में 1500 नौजवान करते थे तैयारी, अब मात्र 150 नौजवान करते हैं तैयारी। बिगड़ रही है व्यवस्था, लगातार बढ़ रहा है बेरोजगारी। यूसीसी बर्दाश्त नहीं करेगा मुल्क का मुस्लिम, सीएएनआरसी की तरह देंगे जवाब। बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद मौलाना की धमकी, कहा लाल किले पर झंडा नहीं फहरा पाएंगे मोदी। मध्य प्रदेश के रेवा में बोरवेल में गिरे मयंक की मौत के बाद सीएम मोहन ने की तगड़ी कार्रवाई, सीईओ एसडीओ त्योथार समेत कई अफसर को किया सस्पेंड। शहद के नाम पर चीनी बेच रही पतंजलि, जांच में फेल पाया गया सैंपल, 1 लाख का फिर लगा जुर्माना। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि कंपनी ने मांगा था माफी। सीएम योगी के छोटे योगी से मिले बड़े योगी, रुड़की की रैली में दिखा अनोखा नजारा, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो। इलेक्शन के बाद सस्ता में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, आ गया है आधुनिक सिलेंडर, कंपोजिट सिलेंडर में विस्फोट होने का खतरा रहेगा कम, सरकार लॉन्च कर रही है घर घर कंपोजिट सिलेंडर। 272 सीट में भी बन जाती सरकार, लेकिन संविधान बदलने के लिए चाहिए 2/3 सीटें, बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो वायरल। इंडी अलायंस की सरकार आई तो मोदी को जेल में डालेंगे, बयान पर राजनाथ का पलटवार, किसके माँ का दूध पिया है जो ऐसा कर पाएगा। इजराइल ईरान वार, इजराइल के पक्ष में उतरे 2 मुस्लिम देश, रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया ईरान के ड्रोन और मिसाइल, जॉर्डन में मिली थी धमकी। वाराणसी में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ शख्स ने किया शर्मनाक हरकत, पोस्टर पर किया पेशाब, आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल पहुंचे दलित के घर खाना खाने, फोटो खिंचवाई लेकिन थाली को अभी तक नहीं छुआ, वीडियो हुआ वायरल। ईरान ने समुद्र पर जहाज पर किया कब्जा, भारतीय जहाज पर थे 17 भारतीय सवार, उन लोगों को बनाया है बंदी, हो सकता है ईरान और भारत के बीच जंग जैसा माहौल। आईपीएल मैच में अपनी हमशक्ल देख श्रद्धा कपूर हुई कंफ्यूज, फर्क करना हो गया मुश्किल, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है फोटो। भोपाल की मस्जिद में दिखे प्रधानमंत्री के समर्थक के पोस्टर, लोगों ने लगाए मोदी है तो मुमकिन है के नारे। दिल्ली में बंद नहीं होगी बिजली, पानी और बस सब्सिडी, भारद्वाज बोले दिल्ली के बेटे केजरीवाल की बड़ी जीत। चुनाव प्रचार कर रहे आंध्र प्रदेश के सीएम पर फेंका पत्थर, घायल हुए जगन रेड्डी, बाल बाल बची उनकी आंखें। लोकसभा इलेक्शन, कंगना रनौत के खिलाफ उतरे विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस ने जारी किया एक और लिस्ट। बोनविटा जैसे प्रोडक्ट हेल्थ ड्रिंक नहीं, सरकार इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैटेगरी हटाने को कर दिया आदेश जारी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगा बड़ा सुनवाई। सीए प्रदर्शनकारी पर सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने बढ़ा दी टेंशन, बोले हिंसा भड़काने वाले पर चलेगा हत्या का मुकदमा।
इजराइल की उड़ी पड़ी है नींदे, नक्शे से मिटाने के लिए ईरान ने बना लिया है पुल फ्रूफ प्लान। बेहद खराब है भारत, इन्वेस्टमेंट को तैयार रहे टेस्ला को चीनी एक्सपर्ट ने दिया चेतावनी।